ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की पिछले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई थी और उस मीटिंग में पूरे इंडियन रेलवे के ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के पदाधिकारी शामिल हुए थे और उन लोगों ने यह तय किया कि रेलवे वर्कर जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा काम करने वाले वर्करों में आता है क्योंकि सभी तरीके के साधन संसाधन बंद हो गए थे, परिवहन के साधन बंद हो गए थे, परंतु रेलवे जो है वो लगातार चाहे वो ऑक्सीजन की मांग को लेकर के नहीं किया गया है उसी को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी में ये फैसला किया गया कि 7 जून को पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से हम भारत सरकार को जगाने का काम करेंगे और आज इसी कड़ी में 7 जून को बीकानेर मंडल पर और तमाम पूरे जोन में आज और पूरे भारतीय रेल में जो है रेल के कर्मचारी भारतीय सरकार को जगाने का काम कर रही है कि रेलवे कर्मचारियों को कोरोना वायरस माना जाए क्योंकि फ्रंटलाइनर में वर्कर काम में के रूप में काम कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस मान करके फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए ताकि जो भी फ्रंटलाइनर का दर्जा दिया जा रहा है उसमें रेलवे कर्मचारी भी उसमें शामिल हो